हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों इस वीडियो में इंग्लिश के सेकंड शिफ्ट के आंसर की को देखेंगे दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न है एंटीहिस्टामिस्स में प्रोवाइड टेम्प्ररी रिलीफ बाई ए मास्किंग ऑफ द डैश इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एलर्जी अगला प्रश्न है द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर द इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑप्शन डी लॉयर अगला प्रश्न है The narrator did not marry the girls because of It's correct answer option A His parent Next question Grid is dash but life is not It's correct answer option D Endless Agla question Where do germs grow? Is correct answer option C the, In the garbage Agla question Where did the water come up to? Is correct answer option B Malasaj ankles Agla question Eric said that हिज हिज मदर एक्सेप्टेड टू प्राइज इन द नेम ऑफ द डैश ऑफ बर्मा एंड नोट हर सेल्फ सेवन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पीपल अगला प्रश्न है वाट डिजेबिलिटी डिड द वुमन हैव ए हैव इन वंस अपन अ टाइम इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्लाइंडनेस ब्लाइंडनेस अगला प्रश्न है एरिज फेल्ट ज फेल्ट दैट द नोबेल पीस प्राइज गिवेन टू आंग सांसू की वुड हेल्प द बर्मीज पीपल टू डैश दियर हिट्स एंड लिटिल हायर इसकाइट एंसर नौ का ऑप्शन ए राइज अगला प्रश्न है हुमायू कबीर इज लेक्चर डिलीवर्ड इन बड़ौदा यूनिवर्सिटी फोकस ऑन द डैश पास्ट ऑफ इंडियाज कल्चर दस क्राइट आंसर ऑप्शन बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगला प्रश्न है वाई इज राधा हर्ट इन थीनर दैन एक रिजेंट इसका राइट आंसर ऑप्शन सी डू टू इग्नोरेंस टू लॉर्ड कृष्णा अगला प्रश्न है हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पोर्टर अगला प्रश्न है द पोस्ट ऑफिस इन मी एंड द एक्लॉजी बिट इज वनली डैश ब्लॉक्स फ्रॉम द मिस्टर जॉनसन हाउस इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तेरा राइट आंसर ऑप्शन बी टू अगला प्रश्न है गिल्लू हैड स्टॉप्ड डैश द डे डाइड इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ईटिंग अगला प्रश्न है मालासा वाज स्कोल्डेड बाय बाई एंड आस्क नोट टू डैश वाटर पंद्रह का राइट आंसर है पंद्रह का राइट आंसर ऑप्शन सी स्प्लेस अगला प्रश्न है द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड 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 ब्रदर ब्रदर एंड पीस इज मोर डैश डायमंड और सिल्वर और गोल्ड सोलह का राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रीसियस अगला प्रश्न है बॉय इन वंस अपॉन अ टाइम कैरीज ए डैश एंड ए जग ऑफ वॉर्म साइडर इसका आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा और इसका आंसर आपने क्या टिक किया इसे हमें कमेंट में ही बताइए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं नो इंडियन नो इंडियन सिनेमा कैन बी डैश ऑन ऑल काउंट्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अपलोडेड अगला प्रश्न है हु रोड द पोएम गोड मेड द कंट्री इसका राइट आंसर ऑप्शन है विलियम कूपर अगला प्रश्न है वेयर डज ए हैप्पी मैन लिव इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इन हिज नेटिव लैंड अगला प्रश्न है प्रेमचंद इज द पेन नेम ऑफ इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धनपत राय अगला प्रश्न है मिस्टर हैड ए डैश डिस्ट्रिक्शन राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ए क्वाइट अगला प्रश्न है द क्वेट इज अनहैप्पी बिकॉज इट इज नॉट विथ इट्स लवर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हु इज क्राइंग इन थिनर दैन ए क्रीजेंट इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राधा अगला प्रश्न है मिस्टर गेस्लर वाज ए एन डैश शू मेकर स्क्राइट आंसर ऑप्शन सी कॉम्पिटेंट अगला प्रश्न है द आइस पुडिंग वाज इन द देप ऑफ ए डैश हाउस स्क्राइट आंसर ऑप्शन सी ब्लू अगला प्रश्न है द डॉटर परफॉर्म्ड हर ड्यूटीज विदाउट एनी इसका आंसर आप आपको कमेंट में मिल जाएगा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं द नायरेक्टर गर्ल्स फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड लव डिफाइल्ड वाज वेरी इसका आंसर इसका आंसर ऑप्शन डी इंटेलिजेंट एंड वीटी अगला प्रश्न है द मदर द मदर इज टू हड जॉन्स टेल्स हर डॉटर नेवर ट्राई टू बिकम एन डैश चाइल्ड इसका आंसर है ऑप्शन बी इडियट अगला प्रश्न है द गार्डन पार्टी एंड द फ्लाई हैव बीन रिटर्न बाय दिस का राइट आंसर ऑप्शन सी कैथरीन मैंस अगला प्रश्न है ग्रिड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट इज फ्रोम इसका आंसर है ऑप्शन ए इम्पाटी हार्ट अगला प्रश्न है डैश हैज चैड द विंग्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फायर ऑफ लव अगला प्रश्न है द हार्ट ऑफ पोटर इज ट्वेटिंग लाइक ए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बर्ड अगला प्रश्न है द चिल्ड्रेन वी आर ट्रांसपोर्टेड टू ए डैश ऑन हियरिंग मार्थाज स्टोरी इस थर्टी फोर का आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बट वाट ए स्टॉर्ट ह्यूमन फिगर द पोएट इज रेफरिंग टू द थर्टी फाइव का थर्टी फाइव का आइट आंसर है ए ऑप्शन है पोर्टर अगला प्रश्न है एंड हर ब्यूटी फार अवे इज फ्रॉम स्काइट आंसर है ऑप्शन ए थर्टी सिक्स का आइट आंसर ऑप्शन नहीं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन सी होगा कोयल अगला प्रश्न है द पोर्टर स्ट्रक्चर इज इसका राइट आंसर ऑप्शन डी स्कलैटन लाइक अगला प्रश्न है थर्टी एट का द सेवन फुल वेजिल ही क्लीन फॉर गेट फॉर गोट इज फ्रॉम थर्टी एट का थर्टी एट आंसर ऑप्शन ए इंपॉर्टी हर्ट अगला प्रश्न है द बैंकर हिड द लॉयर नोट इन हीज इस ऑप्शन ए सेफ अगला प्रश्न है वाट इज द वाट वज द अमाउंट ऑफ द बेट बिटवीन द बैंकर एंड द लॉयर लोयर इसकाइट आंसर ऑप्शन सी अगला प्रश्न है द प्रिजनर आस्क ओनली ऑनली फोर डैश इन द सेकेंड ईयर ऑफ इमेंट इम्प्रिजनमेंट फोर्टी वन का राइट आंसर है ऑप्शन ए नोबेल अगला प्रश्न है मुन्नी एंड हल्कू वांटेड टू तो पे द लैंड आफ्टर द डैश सीजन फोर्टी टू का फोर्टी टू का राइट आंसर ऑप्शन डी ऑप्शन डी विंटर अगला प्रश्न है द रॉ मेटेरियल ऑफ सिनेमा इज डैश इट सेल्फ इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लाइफ अगला प्रश्न है द Old woman is once upon a time could answer the question asked the young man if only she she could. फोर्टी फोर का राइट आंसर है ऑप्शन बी सी अगला प्रश्न है हु रोट लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लियोटोस्टोए अगला प्रश्न है इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सीज दैट डैश आर डिजाइन टू टेस्ट द मेंटल स्पीड ए परसन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अगला प्रश्न है इंडियन सिनेमा अकॉर्डिंग टू सत्यजीत राय डज नॉट नीड मच एक्शन इस राइट आंसर ऑप्शन ए अगला प्रश्न है आंग सं की स्ट्रगल फॉर डैश ऑफ ह्यूमन स्पिरिट इस राइट आंसर ऑप्शन ए सेपरेशन अगला प्रश्न है हाउ मेनी गर्ल्स वेयर वेयर देयर इन द फिल्म द पेस फॉर लिविंग फोर्टी नाइन राइट आंसर है ऑप्शन बी थ्री अगला प्रश्न है द नायरेटर इज मी एंड द एकोलॉजी बिट टोल्ड मिस्टर विलियम नो टू वर्म्स लिप्स इज लिप्स एज इट इसका आंसर आपको कॉमेंट में मिल जाएगा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ डैश मैन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मॉडर्न अगला प्रश्न है जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज अप डैश बाई वॉचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम फिफ्टी टू का राइट आंसर ऑप्शन सी इलेक्ट्रिसिटी अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है फिफ्टी थ्री का व्हाट नेम डिड महादेवी वर्मा गिव द स्क्वेयरल स्क्राइट आंसर ऑप्शन डी गिल्लू फिफ्टी थ्री का राइट आंसर ऑप्शन डी गिल्लू अगला प्रश्न है टुडे डैश कमांड द सेम रिस्पेक्ट एज एनी अदर पर्सन टू क्रिएटिव एक्सप्रेशन फिफ्टी फोर का राइट आंसर ऑप्शन सी सिनेमा अगला प्रश्न है द ऑथर इन पेस फॉर लिविंग एंजॉय स्क्राइट आंसर ऑप्शन ए लॉन्ग कार ड्राइव्स अगला प्रश्न है स्योरली इट इज वेरी वेरी हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क ऑफ इस राइट आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन सी इकोलॉजी अगला प्रश्न है फिफ्टी सेवन का राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्चू अगला प्रश्न है इन ऑल ऑन सॉलिट्यूड द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन वन टू डैश अनलिमिटेड फिफ्टी एट का राइट आंसर ऑप्शन बी थिंक अगला प्रश्न है वेन वन द एक्सक्यूट ए पिगमेंट स्मेल वाट इज द पोएट टॉकिंग अबाउट फिफ्टी नाइन का राइट आंसर है ऑप्शन ए बर्निंग द पॉलीथीन बर्निंग द पॉलीथीन अगला प्रश्न है सिक्सटी का ओ माधव आई हैव रन टू कॉल यू इज फ्रॉम इस राइट आंसर ऑप्शन सी थिनर दैन ए क्रीजेंट ऑप्शन सी सिक्सटी का ऑप्शन सी हाँ चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आई नो द हाउस दैट ही लिप्स चूज द मोस्ट सुइटेबल प्री पोजिशन प्री पोजिशन चुनना है आई नो द हाउस दैट ही लिप्स सिक्सटी वन का राइट आंसर ऑप्शन है इन अगला प्रश्न है रीता इज टायर्ड डैश हिज वर्क सिक्सटी टू का राइट आंसर ऑप्शन सी ऑफ ऑफ ही ऑफ दिस वर्क विच हैंड डू यू राइट इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी विथ अगला प्रश्न है आई एम फेड ऑफ डैश हिज कमिंग लेट एवरीडे इसका सिक्सटी फोर का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टू अगला प्रश्न है ही इज सॉरी डैश वाट ही डिड वाट ही डिड सिक्सटी फाइव का ऑप्शन डी अगला प्रश्न है आई वंडर्ड डैश हिज इंटेलिजेंस सिक्सटी सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन डी अगला प्रश्न है वी आर प्राउड डैश आवर सेक्युलरिज्म सिक्सटी सेवन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑफ अगला प्रश्न है चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन कैरिना को पुस्तक दी गई इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डिड बुक गिवेन टू रीना अगला प्रश्न है उसे कार्य करने दो इसका राइट राइट आंसर आंसर होगा का ऑप्शन सी लेट कंप्लीट द वर्क अगला प्रश्न है एक गिलास पानी लाओ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर अगला प्रश्न है उसने क्या कहा सेवेंटी वन का राइट आंसर ऑप्शन सी वार डिड ही से अगला प्रश्न है हमें हमें सच बोलना चाहिए सेवेंटी टू का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वी शुड स्पीक द ट्रूथ अगला प्रश्न है मैं तैरना जानती हूँ सेवेंटी थ्री का राइट आंसर ऑप्शन ए आई नो हाउ टू स्विमिंग अगला प्रश्न है क्या मैं घर जा सकता हूँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेवेंटी फोर का ऑप्शन बी मे आई गो होम अगला प्रश्न है चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवेन सेंटेंसेज सेवेंटी फाइव का राइट आंसर ऑप्शन बी ही टेल्स ही टेल्स मी दैट ही विल हेल्प मी अगला प्रश्न है रोहित सेड सी विल गो टू कोलकाता टूमोरो टूमोरो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी रोहित सेड दैट सैड दैट ही वुड गो टू कोलकाता द नेक्स्ट डे अगला प्रश्न है ही सैड टू मी कैन यू गिव मी योर बुक सेवेंटी सेवन का आइटेंसर ऑप्शन सी ही आस्क द मी इफ आई कुड गिव हिम माई बुक अगला प्रश्न है सी सैड टू मी थैंक यू सेवेंटी एट का राइट आंसर ऑप्शन ए सी थैंक्ड मी अगला प्रश्न है आई टोल्ड हिम डोंट टेल ए लाई सेवेंटी नाइन का ऑप्शन ए आई सैड हिम नो टू टोल्ड ए लाई अगला प्रश्न है आई नेवर मेक मिस्टेक्स ही सैड एटी का राइट आंसर ऑप्शन ए ही सैड ही सैड दैट आई नेवर मेक मिस्टेक मेड मिस्टेक्स अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इसका एटी वन का राइट आंसर ऑप्शन ए एम अगला प्रश्न है एटी टू का एट्टी टू का ऑप्शन सी एटी टू का ऑप्शन सी ई एन जी एज ई एंगेज अगला है एटी थ्री का इसका एटी थ्री का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फर्टाइल ए पी आर टी आई एल अ फर्टाइल अगला प्रश्न है रेडियंट रेडियंट एटी फोर का होगा ऑप्शन ए आर ई डी आई ए एन टी रेडियंट अगला एटी फाइव इसका होगा ऑप्शन सी जी आर ए टी ई एफ यू एल ग्रेटफुल अगला है बैनिस एटी सिक्स का आपको ऑप्शन आंसर कमेंट में मिल जाएगा एटी सेवन का ऑप्शन सी डॉटर अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग पैसिव वॉइस ऑफ हु गिव हु गेव यू दिस बुक एटी एट का राइट आंसर ऑप्शन ए बाय होम वाज दिस बुक गिवन टू यू अगला प्रश्न है एक्टिव वॉइस ऑफ हैड बिनीता बिन टिस्टे टीज्ड एटी नाइन का राइट आंसर ऑप्शन सी डिड समवन टीज बिनीता अगला प्रश्न है पैसिव वॉइस ऑफ कमल हैड ब्रोकेन हिज लेग नाइन्टी का ऑप्शन ए हिज लेग हैज बिन ब्रोकेन बाय कमल अगला प्रश्न है एक्टिव वॉइस ऑफ द बुक विल बी रीड बाय मी नाइन्टी वन का ऑप्शन सी आई सेल रीड द बुक अगला प्रश्न है पैसिव वॉइस ऑफ सी हैज टेकन टू द कैंप बाय द सोल्जर इसका फोर्टी नाइन्टी टू का आंसर ऑप्शन बी द सोल्जर द सोल्जर टुक द टुक हार्ट टू कैंप अगला प्रश्न है नाइंटी थ्री का एक्टिव वॉइस ऑफ द फ्लावर्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर नाइन्टी थ्री का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द गार्डनर हैज वाटर्ड द फ्लावर अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सी इज डैश टू सी हर मदर्स इन लॉ इसका आंसर ऑप्शन डी गोइंग अगला प्रश्न है माई ग्रैंड फादर डैश टी विदाउट शुगर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टेक्स अगला प्रश्न है नाइन्टी सिक्स का वेन इवनिंग डैश इट गेट्स डार्क नाइन्टी सिक्स का होगा ऑप्शन ए कम्स। अगला प्रश्न है रूबी डैश हर इंग्लिश लेसंस यस्टरडे वेन हर फादर कॉल्ड हर, नाइन्टी सेवन का ऑप्शन डी वाज स्टडिंग। अगला प्रश्न है सी डैश स्टडिंग फॉर टू आवर्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हैड बीन नाइन एट का हैडविन चलिए अगला प्रश्न है आई हैव डैश ऑल माई सेविंग्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्पेंट ऑप्शन बी यस अगला प्रश्न है ही हैज श्योर दैट आई डैश हेल्प हिम इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वुड तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा अगर हेल्पफुल लगा होगा तो इससे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग